नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने तो शेयर कर दें। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से डिजिटल सेवा की ऐप द्वारा, जो अभी नई नई ऐप लॉन्च हुई है, उसके द्वारा सिबिल स्कोर कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमें लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन कर लेते हैं जो मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड की गई होगी प्ले स्टोर से। तो ये थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करना है, मेरा पहले से लॉगिन है तो मैं यहाँ पे होम पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो ये डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड में आने के बाद, ये मैं अपने डैशबोर्ड में आया हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद आपको फ्रंट में शुरुआत में दिख जाएगा यहाँ पे सिबिल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लोन लेना है या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको सिविल स्कोर पहले चेक करना पड़ता है, तब जाकर ये आपको आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो इसमें इस सर्विस में क्लिक कर देते हैं तो ये ओपन होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है, बस नाम वगैरह फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ डालना है। तो ये आपको जो है चेक योर सिविल स्कोर इन 2 मिनट्स, बस 2 मिनट में आपको सारा सिविल स्कोर बता देगा, आपको क्या डालना है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है जैसा कि आधार में पड़ी हुई है, मेल सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल, इंटर एक्टिव ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, जो आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू हो वही इसमें केवल डालना है वेरिफिकेशन के लिए, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, बस 2 मिनट में आपका सिबिल स्कोर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं डिटेल्स भर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आपको सारी डिटेल भरने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स छोटा सा दिख रहा है, यहाँ को भी आपको टिक लगाना है। तो आप क्लिक करेंगे तो टिक ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसके बाद ये प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड बटन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो आगे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये मेरा आधार नंबर दिया हुआ है, आगे के नंबर कटे हुए हैं ताकि कोई देख ना ले। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि आपको अपना ओटीपी कैसे मंगवाना है, यानी मुझे अपना ओटीपी कैसे मंगवाना है या जो फॉर्म भरेगा उसके लिए। तो यहाँ पे ओटीपी आपको मंगवाना है एसएमएस के द्वारा मंगवाना है या ईमेल के द्वारा मंगवाना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं, आयरिस आँख का स्कैन भी यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो फिलहाल मैं, मेरे पास अभी फिंगरप्रिंट नीचे रखे हुए नीचे के रूम में, तो मैं बाद में फिंगरप्रिंट से भी करके दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ओटीपी से करके देखते हैं। तो यहाँ पे एसएमएस पे क्लिक करते हैं केवल, तो एसएमएस पे ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई पे बटन दबा दिया है, ये यहाँ पे वेरिफिकेशन का एक बार क्लिक कर देना है, जिससे क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो जाए। अब यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है जनरेट ओटीपी। तो ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगी जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा। अब देखिए ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी भेज दिया गया है। तो मैं चेक करके इसमें डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब इसमें वैलिडेट ओटीपी पे ये जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है ताकि ओटीपी वेरीफाई हो जाए। क्लिक कर दिया मैंने, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अगला डिटेल आ जाएगा, उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। तो आपको पेमेंट कर देना है और आपको सिबिल स्कोर आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, 200 रुपये का, ठीक है। तो आप वो पेमेंट कर देंगे डिजिटल सेवा के पोर्टल में अपने आईडी से। आपको अपना वॉलेट पिन डालना होगा, अगर आपने कभी डिजिटल सेवा पोर्टल चलाया हो तो वो आपके वॉलेट से कटेगा, डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से कटेगा 200 रुपये, और उसके बाद आपको तुरंत सिबिल स्कोर पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या